तो ये बोल रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर इज लाइन बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखो अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की पे फर्स्ट स्टेटमेंट में तो हमें पता है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से ही कंसिस्ट करता है तो उसका जो रीजन होता है वो डिस्टेंशन रीजन कहलाता है फॉर एग्जाम्पल उधर जो एरिया होगा उसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज कर देता है इसके साथ साथ हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की तो हम देखेंगे कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम कीप्स द साइज ऑफ ब्लैडर एट ऑल टाइम देखो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट की कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है वो करेक्टली आइडेंटिफाइड है क्योंकि वो सही बता रहा है कि वो डिस्टेंशन रीजन सर्फेस एरिया इंक्रीज कर देता है ऐसे अगर हम बात करें सेकेंड वाले की तो ये बोल रहा है कि जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है वो यूरिनरी ब्लैडर का साइज कॉन्स्टेंट रखता है ऑल द टाइम तो हम बोलेंगे सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जैसे कि हमको पता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम के बारे में यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज है वो स्ट्रेच्ड रीजन में प्रेजेंट होता है और हम बोल सकते हैं उसके अंदर स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है इसके साथ साथ ये स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी कंसिस्ट करती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम रीजन से तो हम बोलेंगे जब ये स्ट्रेच्ड होगा तो इसका जो लेयर है